बच्चों, अब आप जो कहानी सुनने जा रहे हो उसका शीर्षक है चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। एक था गांव। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत दुबली पतली सी थी। एक बार उसने अपनी बिटिया के पास दूसरे गांव में जाने का मन बना लिया। वह अकेली ही अपने बिटिया के गांव के रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़ी। उस रास्ते पर था एक घना जंगल। उस जंगल में उसे मिला एक भालू। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही है? तो वो बूढ़ी औरत बोली, मुझे मत खाइयो। अब मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? मैं मेरे बिटिया के पास जाऊंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर यहाँ से लौटूंगी ना, तब तू मुझे खा लेना। भालू मान गया और उसने उस बूढ़ी औरत को अपने रास्ते से जाने दिया। थोड़ा चलते ही उस औरत को मिला एक बाघ। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, कहाँ जा रही है? मैं तो अब तुझे खा जाऊंगा। तो बूढ़ी औरत बोली, अरे बाघ भैया, मुझे मत खाइयो। मैं मेरे बिटिया के पास जाऊंगी, एक मास रहूंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, तब तू मुझे खा लेना। बाघ ने सोचा, बाद में खाऊंगा तो बहुत सारा मांस मिलेगा। उसके बाद उस औरत को मिल गया एक सियार। उसने बूढ़ी औरत से कहा, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही है? मैं तो अब तुझे खा जाऊंगा। तो बूढ़ी औरत बोली, अरे सियार भैया, मुझे मत खाइयो। मैं मेरे बिटिया के पास जाऊंगी, एक मास रहूंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर यहाँ से लौटूंगी ना, तब तू मुझे खा लेना। ये मानकर सियार भी चला गया। फिर वो बूढ़ी औरत पहुंच गई अपने बिटिया के घर। वह बिटिया के साथ एक महीना रही। बिटिया ने उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाया और वह बूढ़ी औरत सच में तंदुरुस्त हो गई। जैसे ही उसका लौटने का वक्त आया तो वह बोली, अरे मेरी बिटिया, मैं अब जंगल से घर लौटूंगी तो मुझे बहुत सारे जानवर मिलेंगे जो मुझे खाना चाहते हैं। तो उस बिटिया ने सोची एक तरकीब। वह एक बड़ा सा कद्दू ले आई। उसने उस कद्दू का पूरा गुर्दा निकाल लिया और उसे सुखा लिया। फिर उसने कहा, अरे माँ, तुम इस कद्दू के अंदर बैठकर धीरे धीरे उस जंगल से चली जाना। अगर किसी ने तुम्हें रोका तो एक मंत्र कहना कि बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। उस बूढ़ी औरत ने एक बार वह मंत्र दोहराया, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल रे मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। उसके बाद वह धीरे धीरे अपने गांव के रास्ते पर निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में आई तो उसे मिला वही सियार। सियार को लगा, ये कद्दू चल कैसे रहा है? कहीं वो ही बुढ़िया तो अंदर नहीं? उसने पूछा, कौन है अंदर? तू वो बुढ़िया तो नहीं? उस बूढ़ी औरत ने उसका मंत्र दोहराया, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। और वह कद्दू धीरे धीरे चलने लगा। तो वह सियार चलते कद्दू को देखकर भाग गया। फिर उसे मिला वो ही बाघ। उसने भी सवाल पूछा, कौन है रे अंदर? तू वो बुढ़िया तो नहीं? उस बूढ़ी औरत ने उसका मंत्र दोहराया, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। और वह धीरे धीरे वहां से निकल पड़ी। बाघ ने सोचा कि सच में वह चलने वाला कद्दू है और वह भी अपने रास्ते से चला गया। फिर उसे मिला भालू। उसने भी वही सवाल पूछा, कौन है अंदर? तू वो बुढ़िया तो नहीं? उस बूढ़ी औरत ने उसका मंत्र फिर दोहराया, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। भालू तो ठहरा भोलू।
उसे भी यही लगा कि वो तो चलने वाला कद्दू है और उसने भी उसे जाने दिया। इस तरह से उस बूढ़ी औरत को जंगल में कुछ भी नहीं हुआ और वह अपने गांव सलामती से वापस आ गई। सच में उसके बिटिया की तरकीब पूरी तरह से सफल हो गई। तो बच्चों, एक बार हम भी मंत्र दोहराएं। चलिए, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक।